Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं स्टूडेंट्स? हमने जो है पिछले लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की थी आपने उसको मेरे अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा, जिन बात के लिए हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट से। आज जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने लगे हैं एमोलिया के मसाले और उनका हल। पेज नंबर 79 पे हमने छोड़ा था, जंगलात की अहमियत जो है वो 79 पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जंगली हयात, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद पेज नंबर 80 पे है, इसमें पाकिस्तान के कुदरती खत्ते लिखे हुए हैं, नेचर रिजर्व ऑफ पाकिस्तान। पेज नंबर 80 में ये भी क्रॉस कर दें, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। पेज नंबर 81 पे मैदानी खत्ता और इसी तरह पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, इससे राजी खत्ता। और पेज नंबर 82 पे लिखा हुआ है शहरी खत्ता, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। इसके बाद पेज नंबर 83 पे है खुश्क और दीप खुश्क पहाड़ी खत्ता, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। और पेज नंबर 84 पे नीम खुश्क पहाड़ी खत्ता और मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खत्ता। इसके बाद पेज नंबर 85 पे नीम मरतूब पहाड़ी खत्ता, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। पेज नंबर 85 पे एन माहौलिया की मसायल और उनका मेजर इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड देयर रिमेड्स, ये जो है आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। एम माहौलिया की मसायल और उनका हल। एम माहौलिया की मसायल आज जो है हम इसको डिस्कस करने लगे हैं, यानी हमारे माहौल को जो है कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनको जो है किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, उसको हल करने के क्या क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माहौल से मुराद क्या है, ठीक है, ये माहौल किस चीज़ को कहते हैं, माहौल से क्या मुराद है। तो सबसे पहले आपने इसी की तारीफ लिखी हुई है कि माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो उस जानदार की जिंदगी उसकी सरगर्मी को मुतासर करे, ठीक है, ये माहौल की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो माहौल जो है ये इंसानी जिंदगी पर भी अपने असरात छोड़ता है, जो भी इंसान हो माहौल उसको अपने अंदर कर लेता है, जिस तरह का माहौल होगा इंसान की सोच भी उसी तरह काम करेगी, इंसान जो है उसकी जो उसके आदत होंगी, उसकी जो और ऐसी भी सरगर्मियाँ होंगी वो भी उसी माहौल के मुताबिक होंगी, जैसा उसका माहौल होगा उसी तरह उसकी सरगर्मियाँ भी होंगी, उसकी आदत भी होंगी, उसके अखलाक भी उसी माहौल से रिलेटेड है। अगर माहौल अच्छा है तो वो इंसान उसकी सरगर्मियाँ उसकी आदत उसके अखलाक वो भी अच्छे होंगे। अगर माहौल गंदा है, माशरा उसको सही इस तरह की ऐसे इन्वायरमेंट नहीं दे रहा, तो उसकी आदत भी अच्छी नहीं होगी, उसके अखलाक भी अच्छे नहीं होंगे। इंसान की तमाम सरगर्मियाँ जो किसी इलाके में सर अंजाम देता है, माहौल का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा होता है, वो चाहे माशी हो सरगर्मियाँ हो, माशी हो समाजी हो मजहबी हो माशक्ति हो या इंसानी हो, माहौल इंसान की सरगर्मियों में जो है अपना असर ज़रूर डालता है। माहौल जिस तरह का होगा उसी तरह उसकी नेचर होगी, उसी तरह ही वो काम करेगा। अगर माहौल अच्छा है तो वो सियासी चाहे वो सियासी की सरगर्मी हो चाहे मजहबी हो चाहे इकतदी हो चाहे माशी हो माशक्ति हो जो भी सरगर्मी हो, माहौल अगर अच्छा है तो वो इंसान भी उसी तरह अच्छा होगा। अगर माहौल उसका गंदा है तो चाहे वो फिर मजहबी हो उसकी सरगर्मियाँ मजहबी हो सियासी हो समाजी हो जिस तरह के भी हो वो अच्छी नहीं होगी। तो माहौल जो है अपना असर इंसान की जिंदगी में जरूर छोड़ता है। तो माहौल यानी मसायल से क्या मतलब है, ये हमने अपने लिखा
موافق ہوں، غیر موضوع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے اگر غور کرتا ہو تو اس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی نباتات اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے انسان جو ہے خطرہ ہوتا ہے، کبھی تو اس کو حیوانی اور اسی طرح نباتات اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ماحولیاتی مسائل جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کو جو ہے ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کی ابتدا میں انسانی مسائل جو ہے وہ ضروریات، انسان جب پیدا ہوا اس کی ضروریات اور اس کے وسائل جو ہے وہ بھی محدود تھے، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، انسان جو ہے بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتا گیا، ترقی کا دور آتا گیا، تو انسان کی جو ضروریات ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا، جو اس کے وسائل تھے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ آج سے اگر ہم کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں، سو دو سو سال پیچھے چلے جائیں، تو ہمیں ایسے وسائل بالکل بھی نہیں ملیں گے جو آج کل ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ایسے وسائل بالکل بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ اس وقت انسان کی جو ضروریات تھیں اس کے جو وسائل تھے وہ بہت محدود تھے۔ تو انسان جب انسان ترقی کرنا شروع کی، جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اس کے جو وسائل تھے، اس کی جو ضروریات تھیں وہ بھی اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو جب اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہا تو اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو استعمال پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے اس نے قدرتی وسائل کا استعمال کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے تھے، قدرتی وسائل، نیچرل وسائل، ان کو جو ہے اس نے اس کا سہارا لیا اور اپنی ضروریات کو اس کے ذریعے پورا کرتا رہا۔ تو انسان نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو اتنا استعمال کر رہا ہوں مجھے اس میں تھوڑا سا دیر پہ استعمال کرنا چاہیے، بے جا اس نے جو ہے اس کا استعمال کیا، تو اس بے دریغ استعمال سے وسائل میں جو کمی آتی ہے وہ اس کمی میں تیزی آنا شروع ہو گئی، یعنی وسائل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اور کیا ہوا کہ انسان کیوں، اس لیے کہ ماحول بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جب جو چیزیں نیچرل ہیں، قدرتی ہیں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو ماحول بھی اس سے متاثر ہوگا، جب ماحول متاثر ہوگا تو اس ماحول کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑے گا۔ اگر وہ ماحول اچھا ہوگا تو ہماری زندگی وہ بھی اچھی ہوگی، اور اگر ماحول برا ہوگا تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے زیادہ اہم کردار کس چیز کا ہے؟ ماحول کا ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوگا انسان کی نیچر بھی اسی طرح کی ہوگی۔ تو انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو اس کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوا، تو انسان نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی وسائل کا سہارا لیا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے اس کے وسائل میں جو ہے وہ کمی ہونی شروع ہو گئی، تیزی سے کمی ہونا شروع ہو گئی، جس سے ماحول بھی متاثر ہوا۔ اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو ہے کئی ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا، ان میں کون کون سے مسائل ہیں آج جو ہے اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں کن ماحولیات کا سامنا ہے، کن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے، ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ کون کون سے ہیں، ہم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا ہے آلودگی۔ ماحولیاتی مسائل میں سب سے پہلا ہے آلودگی، نمبر دو کیا ہے؟ جنگلات کا کٹاؤ۔ نمبر تین زمین کا سارا میں تبدیل ہونا۔ نمبر چار سہمت ہو۔ یہ وہ چار مسائل ہیں جو بہت زیادہ پاکستان میں اپنا نکال کرتے ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جو بہت زیادہ ہمیں پیش ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آلودگی، نمبر دو پہ کیا ہے جنگلات کا کٹاؤ،
नंबर तीन जमीन का सारा तब्दील हो रहा और नंबर चार सिर्फ दूर। ठीक है, तो ये हमारे कौन को जो दरपेश मसाइल है उनमें से एक है। तो सबसे पहले जो है हम आलूदगी को डिस्कस करेंगे, मौसम आलूदगी पॉल्यूशन। ठीक है, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे कि आलूदगी ये क्यों पैदा होती है, इसकी क्या वजूहत है और इस तरह इसके नुकसान क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन जो है आपकी लाइन नंबर दो में लिखी हुई है। लाइन नंबर दो के आर्टिकल है, किसी ऐसी चीज का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसानदेह हो, माहौलियाती आलूदगी कहलाती है। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज है जो उसके माहौल में शामिल हो जाती है और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा रही है, जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रही है, हर किसी को चीज को नुकसान पहुंचा रही है, उसको माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। ठीक है, तो मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए बेपनाह सहूलियात मुहैया की है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे अवामिल भी पैदा हो चुके हैं जिनकी वजह से माहौल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, यानी जहाँ पर साइंस ने तरक्की की है, हर किस्म की सहूलियात इंसान को दे रहा है, तो वहां पर माहौल को भी वो शदीद मुतासर कर रहा है, माहौल से भी उसको बहुत ज्यादा खतरा है, माहौल को शदीद नुकसान उस साइंस की तरक्की की वजह से पहुंच रहा है। तो माहौलियाती आलूदगी यानी आलूदगी इसकी कितनी किस्में है, आलूदगी की फिर तीन किस्में है, एक है हवाई आलूदगी, उसके बाद है जमीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। सबसे पहले क्या है, हवाई आलूदगी। ठीक है, हवाई आलूदगी ये क्यों पैदा होती है, इसके क्या क्या नुकसान आते हैं और ये इसको कैसे किस तरह जो है खत्म कर सकते हैं। हवाई आलूदगी से क्या मुराद है, हवाई आलूदगी से मुराद ये है कि हवा में जो है बहुत ज्यादा गैसें निकल जाती हैं, नुकसान देह गैसें जो है उसमें इजाफा हो जाता है। वो कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, ये माहौल को जो है बहुत ज्यादा हवाई आलूदगी इसमें बहुत ज्यादा शामिल है, ये माहौल की जो हवाई आलूदगी है उसको बहुत ज्यादा मुतासर कर रहे हैं, क्योंकि ये नुकसानदेह कैसे है, जहरीली कैसे है, जब ये हवा में निकलती है तो ये हवा को मुतासर करती है, तो इंसान जब सांस लेता है तो इंसान सांस लेता है तो ये गैसें जो है उसके अंदर चली जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा मुतासर करती है, उसकी सेहत पर असरअंदाज होती है। ये कैसे पैदा होती है, फैक्ट्री और गाड़ियों के निकल धुएं के निकलने की वजह से हवा में जो है नुकसानदेह कैसे वो बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को जो है नुकसान पहुंच रहा है। मसलन ओजोन की तह का खत्म होना और जमीनी दर्जा हरारत में बढ़ जाना, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की भी खतरनाक बीमारियाँ वो भी पैदा हो रही है, मसलन फेफड़ों का और इसी तरह सरतान और मुख्तलिफ जल्दी बीमारियाँ वो भी हवाई आलूदगी की वजह से पैदा हो रही है। यानी जब इंसान सांस लेता है तो वो जो जहरीली गैस है इंसान के अंदर चली जाती है, तो जब वो गैस अंदर जाती है तो जाकर फेफड़ों पर जो असर करती है, इसी तरह जल्द पर असर करती है, इंसान को जल्द ही बीमारियां भी इसी तरह से पैदा होती है और फेफड़ों का जो सरकार है वो भी इसी वजह से पैदा होता है। तो हवाई आलूदगी को कम करने के लिए इंसानी तरक्की में रुकावट तो नहीं डाली जा सकती, लेकिन ऐसे इकदाम जो है उठाए जा सकते हैं जिसके नतीजे में जो जहरीली गैसें हैं, नुकसानदेह गैसें हैं, इसके अफराद में कमी लाई जाए। वो कैसे, मसलन गाड़ी के लिए ऐसे इंजन का इस्तेमाल किया जाए जो कम आलूदगी फैलाए, वो कौन से ऐसे, यदि अगर वो कोई गाड़ी ऐसी है जो पेट्रोल पर चल रही है, किसी और डीजल पर चल रही है, तो उसकी बजाय अगर वो सीएनजी इस्तेमाल करें
तो जो जहरीली गैसें हैं वो कम होंगी और उसकी जो है वो थोड़ी उसमें कमी आएगी। तो इस तरह जो है इंसान इसको खत्म बिल्कुल भी कर सकता है, और इसी तरह इंसान जो है अपनी तरक्की की राह में रुकावट भी डाल सकता। तो इसको कम तो कर सकता है, इसको कम करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, यानी पहले तो जो गाड़ियों की वजह से गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें कमी लाए, कैसे लाए कमी, सीएनजी इस्तेमाल करें, सीएनजी की वजह से जो है हवा में कमी ला सकते हैं। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त जो है ये हवा को खत्म करते हैं, और जब ज्यादा दरख्त होंगे तो हवा में वो भी कमी आएगी। इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तंसील करें, यानी उसको फिल्टर करके जो है इस्तेमाल करें, तो उसकी तंसील जब होगी तो हवा में उससे भी कमी आएगी। इसके अलावा ऐसे गैसों पर जो है इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी चाहिए जो नुकसान पहुंचा रही है। किसको नुकसान पहुंचा रही है? माहौल को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी गैसों पर जो है पाबंदी होनी चाहिए। वो तो कौन सी गैसें हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। इसका इस्तेमाल जो है बहुत जहरीला होता है, ये गैस बहुत जहरीला है, तो अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो माहौल से जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। जब माहौल को नुकसान पहुंचेगा तो हवा पैदा होगी, और हवा की वजह से जो है फेफड़ों की बीमारियां इसी तरह और दिल की बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको जो है हम अब थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि हमसे जो कुछ चीज छूट गई हो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखें अहम मौजूदा मसाइल और का हल। मेजर इन्वायरमेंटल हजार्ड के लिए रिलेटेड है। माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द वो इलाका जो उस जानदार की जिंदगी इसकी सरगर्मियों को मुतासर करे। माहौल जिसमें कभी कभी आबो हवा मिट्टी और कुदरती नफकात वगैरह शामिल है इंसानी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इंसान की वो तमाम सरगर्मियाँ जो किसी इलाके में सर अंजाम देता है, चाहे माशी हों या सियासी, समाजी हों या मजहबी, माशर्ती हों या इकतदी, कुदरती माहौल इन सरगर्मियों पर अपना असर छोड़ता है। माहौलियाती मसाइल से मुराद वो तमाम मसाइल हैं जो माहौल के नाम मुआफिक या गैर मौसूम होने से पैदा होते हैं, जिससे ना सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि हैवानी, नबाताती और आबी जिंदगी को नुकसान पहुँचता है। इंसानी जिंदगी की इब्तदा में इंसानी वसायल और जरूरियात महदूद थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया उसकी जरूरियात में इजाफा होता रहा। अपनी बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए उसने कुदरती वसायल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बेदरेक इस्तेमाल से ना सिर्फ वसायल तेजी से काम होना शुरू हो रहा है बल्कि इनके इस्तेमाल से माहौल भी मुतासर हुआ। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इसके नतीजे में कई माहौलियाती मसायल ने भी जन्म लिया। पाकिस्तान के अदालतों में आज भी जिन माहौलियाती मसायल का सामना है उनमें से चंद अहम दरमदेल हैं: आलूगी, जंगलात का कटाव, जमीन का सहारा में तब्दील होना, सेब और ठोर। इन माहौलियाती मसायल की तस्वीर जेल में पढ़ते हैं। आलूगी पॉल्यूशन। मौजूदा दौर में जहाँ साइंसी तरक्की ने इंसान के लिए बेपनाह सहूलियात मुहैया किए हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे अवामिल भी पैदा किए हैं जिनकी वजह से माहौल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इन तमाम में सबसे अहम माहौलियाती रुख यह है किसी ऐसी चीज का माहौल में शामिल हो जाना जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए नुकसान दे और माहौलियाती रुखी कहलाती है। माहौलियाती रुखी की तीन किस्म है: हवाई रुखी, जमीनी रुखी, आबी रुखी। सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। हवाई रुखी से मुराद हवा में नुकसान देने से मिकदार में इजाफा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड वगैरह, फैक्ट्री और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हवा में नुकसान देने से पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। मसल मौसम की तरह का खत्म होना और जमीनी दर्जा का बढ़ना जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा यह मुख्य खतरनाक बीमारियों का बायस बन रही है, मसल फेफड़ों का सरतान और मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ वगैरह। हवा की अलूदगी को कम करने के लिए इंसानी तरक्की में रुकावट नहीं डाली जा सकती, लेकिन ऐसे इकदाम जरूर उठाए जा सकते हैं जिनके नतीजे में जहरीली और नुकसानदेह गैसों के अखराज में कमी लाई जा सके। मसलन गाड़ी के लिए ऐसे इंजन का इस्तेमाल जो कम आलूदगी फैलाए, मसलन सीएनजी वगैरह। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। इसी तरह कारखानों और फैक्ट्रियों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तंसील करें। इसके अलावा ऐसी गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी चाहिए जो माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का इस्तेमाल करना वगैरह।
हमारा लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये अभी हमने कहा है हवा जो रुकी पड़ी है, आप ये रुकी और दूसरी जो कौरियात रुकी उसको डिस्कस करेंगे। आपने जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको याद करने की आसानी हो और आपके कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जो आपकी ये परेशानी का बाहर हो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।